ਦਿਲ ਸਹਿਬਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗਏ 9:45 ਓਏ ਹੋਏ ਨੀ ਤੂੰ ਸੋਣੀ ਦਿਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਤੋਂ। अब तो गाइस आपको भी ऐसा ब्लर एनिमेशन वाला वीडियो एडिट करना है तो आप लोग जो सही वीडियो पे क्लिक किए ऐसा एनिमेशन वाला वीडियो हम बहुत ही आसान तरह से करना बताएंगे। तो बिना देरी के हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हाँ तो गाइस इसके लिए जो आपको कोई भी सबसे पहले वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है, कोई भी सा वीपीएन को आपको कनेक्ट कर लेना है ठीक है। एंड उसके बाद जो कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एंड कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। ऊपर में न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड यहां से जो अपने वीडियो को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद नीचे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो गाइस कैपकट में जो वीडियो ऐड कर लेने के बाद जो है आपको इस वीडियो वाले लेयर पर सबसे पहले आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर ठीक है। एंड यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद नीचे जो आपको स्क्रॉल करना है, इधर जो आपको एक मोशन ब्लर का ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक कर देना है ठीक है। एंड यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद जो यहाँ पर एक बोथ वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ से जो आपको इस फॉरवर्ड वाले आइकन पे क्लिक कर देना है ठीक है। एंड यहाँ से ऊपर ये साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको इसको डन कर देना है ठीक है। एंड इतना कर लेने के बाद आपको जो बैक आ जाना है। एंड उसके बाद जो नीचे एक इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको देखना ध्यान से ठीक है। यहाँ पर जो आपको एक इफेक्ट का ऑप्शन शो होगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर जो क्लिक कर लेने के बाद आपको जो एक वीडियो इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है ठीक है। एंड यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद आपको जो है नीचे ट्रेंडिंग ऊपर ट्रेंडिंग में रखना है एंड नीचे स्क्रॉल करना है। इधर जो आपको एक हालो ब्लर का एक इफेक्ट देखने को मिलेगा इसको जो आपको इस वीडियो में अप्लाई कर देना ठीक है। एंड ये साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना ठीक है। एंड इस इफेक्ट को जो है आपको पूरे स्टार्टिंग में सबसे पहले कर लेना है कुछ इस प्रकार से आपको। एंड ये जो है हालो ब्लर को स्टार्टिंग में कर लेने के बाद इसको जो आपको वीडियो के आधे में रखना है एंड बाकी का जो है उसमें नहीं रखना है ठीक है। एंड इतना कर लेने के बाद जो है फिर से आपको बैक आ जाना। एंड उसके बाद जो है आपको करना ये कि फिर से आपको इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है एंड उसके बाद जो है यहाँ पर आपको वीडियो इफेक्ट वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देना है। एंड वीडियो इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद आपको जो नीचे इस वाले जो इफेक्ट को लगाना है जिसका नाम आपको आगे बता देना है ठीक है। इसको जो आपको लगा लेना है एंड यहाँ से जो इस साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है यहाँ से आपको। एंड इसका जो नाम है ये LONGITU बहुत ही लंबा नेम है। L से स्टार्ट होता है और L से ही ख़त्म होता है ठीक है। और लास्ट में जीटर है। इसको जो आपको पूरे वीडियो में अप्लाई कर देना है जिससे कि एक एनिमेशन बन सके। तो इस प्रकार से जो ये एनिमेशन बन जाएगा। उसके बाद जो आपको करना है कि जहाँ से ये ब्लर वाला इफेक्ट हटा है वहाँ पर आपको जो उस वीडियो को जो यहाँ पे रखना है एंड यहाँ पे भी जहाँ से ब्लर हटा वहाँ पे रखना है ठीक है। एंड फिर से जो आपको बैक आना है एंड वीडियो पे क्लिक करना है ठीक है। एंड नीचे स्प्लिट का जो ऑप्शन दिख रहा है ना इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से जो उसके बाद नीचे एनिमेशन वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना। एंड यहाँ से जो है आपको अनफोल्ड का जो एनिमेशन को यहाँ पे ऐड कर देना है ठीक है। आपको देखना इनमें ही मिलेगा आपको एक अनफोल्ड करके एनिमेशन ठीक है। उसको यहाँ पे क्लिक करके इस साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर जो ये एनिमेशन यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये जो हमारा वीडियो बन जाएगा कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो इसको जो डाउनलोड करने के लिए ऊपर ये 720 दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ से जो आपको इस 720 दिख रहा है इसको जो आपको फुल एचडी कर लेना है सबसे पहले। तो यहाँ से फुल एचडी कर लेते हैं। उसके बाद जो इस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से जो क्लिक करके आपको जो वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है।